फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोमाइंस एंड टीम चैनल। फ्रेंड्स, मॉनसून स्टार्ट हो गया है, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं हर बार नॉवेल्स या फिर शॉर्ट स्टोरीज लेती हूँ, तो इस बार मैं कुछ जनरल नॉलेज की बुक और एक और बुक है मेरे पास जो मैं लेकर आई हूँ, वो है एनसाइक्लोपीडिया। तो ये दोनों बुक मैं लेकर आई हूँ, जिससे कि क्योंकि बच्चे अभी मॉनसून के टाइम पे ज़्यादा बाहर नहीं खेल पा रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, सो हम लोग घर पे उनको अदर देन स्टोरी बुक्स और ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग बुक है जो हम बच्चों को दे सकते हैं, और नॉलेजेबल तो ये बहुत ज़्यादा है। सो इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करके इस बार नवनीत की, मैंने बहुत सारी आप लोगों के साथ इंग्लिश की बुक शेयर की है जो कि फोनिक्स से रिलेटेड है, इस बार मैं इसीलिए मैं जाकर ये बुक देख कर लाई हूँ, सो दैट मैं इसका कॉन्टेंट जो है वो अच्छे से देख सकूँ। तो फ्रेंड्स, ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने ऑलमोस्ट ये बुक 9 से 10 साल के बच्चे या उससे ज़्यादा बड़े तो है ही, 8 ईयर्स अबव ये बुक ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप ये बुक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें टॉपिक तो सभी बच्चों से रिलेटेड है। आप बच्चों को पढ़ के या उन्हें दिखा कर या उन्हें ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पिक्चर्स वाइज बताकर भी बता सकते हैं। बट इस बुक में ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो आपका बच्चा अगर 4 से 5 साल का है या फिर 9, 10 या फिर 11 साल 12 साल के बच्चे हैं तो उनके लिए भी ये बुक बहुत अच्छी है। चलिए इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। नवनीत, एनरिच योर जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज की बुक है और बहुत ज़्यादा थिक है, सो मुझे लगा कि थोड़ी बोरिंग सी होगी, बट ऐसा नहीं है। प्राइस देखिए इसका 335 है। फ्रेंड्स, जो बुक का जो लैंग्वेज, ये टॉपिक और कंटेंट्स आप देखिए, ऐसे वही टॉपिक्स हैं जो हमारे बच्चे अपने साइंस में पढ़ते हैं या फिर ईवीएस में पढ़ रहे हैं या फिर जनरल नॉलेज के टॉपिक्स में भी ये पढ़ रहे हैं, और ऐसी चीज़ें जो हमारे बच्चों को आनी ही चाहिए। और सच्ची बताऊं तो हम लोग भी इस एज में आकर अब इतना डिटेल में ये सब पढ़ते भी नहीं हैं, तो कई बार बच्चों के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बच्चे जनरल नॉलेज के पूछ लेते हैं या अपनी बुक से पूछ लेते हैं, जो हम पूरा भूल चुके हैं, तो ये है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगा कि हम लोग भी पढ़ सकते हैं एडल्ट्स, और बच्चों के लिए तो इंटरेस्टिंग है ही। अच्छा, सो अब इसका कंटेंट थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि बुक तो बहुत बड़ी है। आपको मैं कुछ कुछ टॉपिक्स इसमें बता देती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए भी आप ये बुक्स ले सकते हैं। ये हो सकता है कि वो बच्चे सारे पेजेस या फिर सब चीज़ों में इंटरेस्ट ना दिखाएं, और अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं जैसे 10, 11 या 12 साल के, तो उनके लिए ये बुक बहुत अच्छी होने वाली है। उनको सभी टॉपिक से रिलेटेड इसमें जो है वो डेफिनेशंस या फिर डिटेल में मिलेगा। सबसे बड़ी बात, इसमें जो डेफिनेशंस दी हुई है किसी भी चीज़, जैसे देखिए ये हनी है, तो आप देखिए कि जो वो डिस्क्राइब किया हुआ है वो कितना सिंपल लैंग्वेज में है। हनी बीस गिव हनी, हनी इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द हाइव्स, हनी इज़ गुड फॉर हेल्थ, इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन। तो जो वो डिस्क्राइब किया गया है वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में किया गया है, तो बच्चों के लिए रीड करना भी इजी होगा। बच्चों का ईवीएस का टॉपिक हो या फिर साइंस का टॉपिक हो, आपको यहाँ पर उनके लिए बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस मिलेगी, और इससे रिलेटेड भी आप देखिए ये सीजन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, फिर जो हमारे फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, टाइटल्स, कैपिटल्स, इनफैक्ट पूरी कंट्री का यहाँ पे, सभी कंट्रीज फुल वर्ल्ड का यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर स्टेट वाइज कैपिटल्स तो है ही, साथ में वर्ल्ड्स के भी हैं, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, सीजन्स, वर्षा। तो जो डिस्क्रिप्शंस हैं सभी चीज़ों का, वो जैसा कि मैंने बताया, उनका फॉन्ट बहुत अच्छा है, क्लियर लैंग्वेज में है और बहुत इजी है, जिससे कि आपके बच्चे आराम से समझ सके, पढ़ सके। बच्चे इसमें से कुछ भी टॉपिक पिक कर सकते हैं और बच्चे किसी भी दिन उसको रिवाइज कर सकते हैं, तो ये सभी बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आई एम श्योर कि जैसे हमें अच्छा लगा है, आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा। सी, इंडिया के नेशनल सिंबल्स, ये कुछ कुछ चीज़ें तो बच्चों को पता ही है, बट यहाँ पे क्या और भी कंट्रीज़ के बारे में दिया हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा, अपनी कंट्री के बारे में तो जनरली बच्चे पढ़ ही लेते हैं या उनको आता है, तो कई सारे कंट्री के नाम बच्चे सीखेंगे। आप उनको कितने सारे जनरल नॉलेज की चीज़ें एक ही बुक में उनको करा सकते हैं।
इसीलिए ये बुक मुझे थोड़ी डिफरेंट लगी। और इस बार क्योंकि मुझे डिफरेंट बुक लानी थी, लाइक थोड़ा इंग्लिश या फिर स्टोरी से रिलेटेड नहीं, तो ये बुक मैं लेकर आई हूँ। नवनीत की बुक्स हमेशा ही से ही अच्छी होती है, मैंने फोनिक्स की बुक में भी जैसे आपको बताया है, ये भी बहुत अच्छी बुक है और प्राइस भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, 330 है। तो इसीलिए मैं ये बुक इस बार मॉनसून में अपने बेटे को पढ़ाने के लिए लाई हूँ। लेट्स सी वो कितना पढ़ता है और हम लोग भी इससे कितना कुछ सीखते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो बुक है वो है एनसाइक्लोपीडिया। अब बच्चों को एनसाइक्लोपीडिया का टर्म ही कई बच्चों को नहीं पता है। एनसाइक्लोपीडिया होनी ही चाहिए बच्चों के पास, या उन्हें ये पता होना चाहिए कि एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है। जनरली एनसाइक्लोपीडिया में क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकली जो टॉपिक्स के बारे में बताया गया होता है, ये जैसे अल्फ़ाबेटिकली ए से स्टार्ट करा है और इसी तरह से उन्होंने छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर उन चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया है, यही एनसाइक्लोपीडिया होता है। एनसाइक्लोपीडिया इज़ अ सेट ऑफ बुक्स जिसपे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वो टॉपिक्स डिटेल में दी होती है, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक जो आप जनरली नहीं बाकी बुक्स में ले पाते हैं। थोड़े से बड़े बच्चे जब हो जाएं, ऑलमोस्ट 9, 10 या 11, 12 ईयर्स के, तो उनके लिए ये बुक होनी चाहिए आपके पास और आपके बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये बुक्स क्या है। इनमें वो ऐसे टर्म्स पढ़ेंगे जो शायद हमने भी, जो अगर वो हमसे भी पूछे तो वो हमें भी नहीं पता होगा। ऐसी कितनी इसमें चीज़ें हैं जो अगर हम पढ़ने बैठे तो हमें भी नहीं पता होगा। और बच्चे अगर हमको इस तरह की बुक्स लाते हुए देखे या फिर ऐसे इन्फॉर्मेटिव बुक्स देखे हमारे पास, तो उनको भी इन सब चीज़ों में ही जो है वो इंटरेस्ट इंक्रीज होगा और उनको भी लगेगा कि हाँ, कुछ ऐसी बुक्स भी होती हैं जो हम पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि रीडिंग करने के लिए हम हमेशा स्टोरी बुक्स ही लें, आप कुछ ऐसी बुक्स रख सकते हैं। इतना सारा इन्फॉर्मेशन होता है कि बच्चों का जो वो क्यूरियोसिटी है वो अपना अपलिफ्ट करता ही है, उनको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता ही है कि वो इन टॉपिक्स के बारे में पढ़े और जाने। एनसाइक्लोपीडिया का जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा ही होता है, सो ये बहुत ज़्यादा नहीं, बट कुछ 500 का मुझे ये बुक था पढ़ा, ऑलमोस्ट 550 या फिर 60, यही प्राइस था। हाँ, 550 इस बुक का प्राइस है, बट एक एनसाइक्लोपीडिया होनी चाहिए जिससे कि बच्चे को पता हो कि एनसाइक्लोपीडिया क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं और उस टर्म से, उस लेटर से जितने भी पॉसिबल वर्ड्स होते हैं वो सारे वर्ड्स उसमें डिस्क्राइब किए हुए हैं। एंड एनसाइक्लोपीडिया बहुत सारे अलग अलग टॉपिक के ऊपर है। मैं ये कुछ जनरल सा एनसाइक्लोपीडिया लेकर आई हूँ जिसमें कि मुझे पूरा वर्ल्ड के और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मिल जाए जो कि बच्चे अल्फ़ाबेटिकली पढ़ें और थोड़ा थोड़ा उनको नॉलेज गेन हो। तो ये थी मेरी कुछ इस बार की कलेक्शन। मुझे लग रहा है कि ये बुक इम्पॉर्टेंट है और मैं ये दोनों बुक्स रखती हूँ अपने पास और देखती हूँ कि बच्चों में किस तरह से इन बुक्स में रीड करने का इंटरेस्ट होता है। आप लोग भी अपनी कुछ बुक्स परचेज करिए और शेयर कीजिएगा कि आपके बच्चे कौन सी बुक को पढ़ते हैं और उन्हें कौन सी बुक को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेटिव बुक्स के साथ। तब तक के लिए, ये बुक्स मैंने अमेज़ॉन से नहीं मंगवाई है, ये बुक्स मैंने शॉप से ख़रीदी है, तो आप चाहें तो नाम में देख सकते हैं और फिर अमेज़ॉन से ले सकते हैं या फिर आप कोई बुक शॉप से जाकर भी ले सकते हैं। ये नवनीत की बुक है, जनरल नॉलेज, क्योंकि रीडिंग करने के लिए फ्रेंड्स याद रखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे आपके इंग्लिश की बुक्स ही पढ़े, वो किसी भी इंफॉर्मेशन बुक से ले इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं और ये उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करेगा। और ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे जो बुक्स स्टोरीज ना पढ़ रहे हों वो इन एनसाइक्लोपीडिया या फिर ये जनरल नॉलेज की जो बुक है वो बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़े। इंग्लिश तो इसमें भी है और फ्लुएंसी इसमें से पढ़ने से भी बढ़ेगी। इनफैक्ट इसमें इतने टफ वर्ड्स हैं कि अगर ये बुक्स वो अच्छे से पढ़े तो उनकी रीडिंग तो बहुत अच्छी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, इसमें टॉपिक सारा कवर है, आप चाहे तो ये कंटेंट्स में देख सकते हैं। इसमें टॉपिक जितने भी पॉसिबल टॉपिक हो सकते हैं, मुझे लगता है वो सभी टाइप के टॉपिक इसमें कवर हैं। ईजी से ईजी लाइक एनिमल साउंड से लेकर या फिर रेनबो के कलर से लेकर डिफ़िकल्ट तक भी पहुंच जाते हैं। सब स्टेडियम्स या फिर फेमस पर्सनालिटीज़ या फिर सोलर सिस्टम या फिर एस्ट्रोलॉजी, एवरीथिंग इज़ गिवन। कंट्रीज़ के बारे में, करेंसीज़ के बारे में, वंडर्स ऑफ लैंड, सब कुछ। तो आई एम श्योर कि मैं भी ये बुक बहुत अच्छे से पढ़ने वाली हूँ।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए, जिससे कि हम अगले वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेट हों। बाय बाय।